सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गरीदी इंग्लिश क्लासरूम में तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इन डेफिनेट टेंस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को हिट कर लें तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है आ, पास्ट इन डेफिनेट टेंस ये पास्ट टेंस का फर्स्ट दैट इज पास्ट इन डेफिनेट इस टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन है हमें कैसे पता चले कि जो भी सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनेट में है इसमें हमने पास्ट इंडेफिनेट का रूल अप्लाई करना है कैसे पता चलेगा जब हम सेंटेंस के एंड में क्या पाएंगे कि गया गई ता था ती थी ते थे आ ई ए जैसे वे चले गए ए की साउंड आ रही है वह चली गई ई की साउंड आ रही है ठीक है मेरे पापा ऑफिस गए तो भी तो गया गई ता था ती थी, थी इस तरह की साउंड जब आती हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में तो वो सेंटेंस कौन सा होता है पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट का क्या फार्मूला है क्या हम अप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा इजी है ये टेंस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं वो आने चाहिए फॉर्म ऑफ वर्ब्स जैसे जैसे मैंने लिखा वन बी वन वी टू और वी थ्री तो जैसे मैंने फर्स्ट में लिखा गो सेकंड वेंट और थर्ड वन इज़ गॉन तो इसमें क्या अप्लाई करते हैं हम इस टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं इज़ वेंट जैसे वो मंदिर गए वो मंदिर गए गई में क्या कौन सा आ, कौन सी है वी टू दैट इज़ वेंट दे वेंट टू टेम्पल ठीक है तो ये जो टेंथ है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं बाकी और कुछ भी यूज़ नहीं होता है सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और वर्ब भी कौन सी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ की जाती है इसका स्ट्रक्चर क्या है पहले सब्जेक्ट फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट इसी को हम यूज़ करते हैं और उसके बाद जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं जब हम पास्ट इनडेफिनिट सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं जैसे मैंने बोला जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं डू नाट डज नाट और डिड नाट यही सब कुछ यूज करते हैं जैसे हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस था तो हमने उसमें क्या यूज किया था क्योंकि उसमें हम वी वन का यूज करते हैं ठीक है तो हमने डू और डज का यूज किया था इट के साथ हमने डज नॉट का यूज किया था और आई वी यू दे के साथ हमने डू का यूज किया था डू नॉट क्योंकि वो क्या थी डू डिड डन ठीक है सो डू क्या थी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी ठीक है तो इसमें हम डू और डज का यूज़ करते थे आ ही शी इट के साथ हमने किसका डज का, का यूज़ किया था बाकी अदर सब्जेक्ट uh, के साथ हमने डू का यूज़ किया था तो इसी तरह से हम ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का था ये हमारा फार्मूला अब हमने क्या बोला है कि इसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं तो सेकंड फॉर्म क्या है डू की डिड है तो जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जैसे हम मंदिर नहीं गए ठीक है जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हम मंदिर नहीं गए तो हम क्या लिखेंगे हम वी डिड नॉट फिर वी आता है वी मतलब जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है हम मंदिर नहीं गए तो डिड नॉट डू की सेकेंड फॉर्म डिड है तो हमने यहां पे डिड नॉट लिखा और उसके बाद मैंने आपको यहां पे लिखा कि आप वी वन लिखेंगे वी वन मतलब जाने की आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखोगे वो क्या है गो वी डिड नॉट गो टू टेम्पल वी डिड नॉट गो टू टेम्पल सो इसी तरह से डिड not का यूज़ होता है फिर उसके बाद वेंट नहीं लिखना है वी डिड not वेंट टू टेम्पल नहीं होगा जब आपने डिड not जब आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यहाँ पे राइट कर दिया तो उसके बाद आप वी वन लिखेंगे वी वन लिखेंगे यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टेंस का ये ज़रा सा आपने अपने माइंड में रखना है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने डिड नॉट यहाँ पे यूज़ कर लिया नेगेटिव सेंटेंसेस में तो उसके बाद हम वी वन का यूज़ करते हैं ठीक है उसके बाद जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे डिड को आगे लेकर आएंगे देन सब्जेक्ट आफ्टर दैट वी वन एंड देन ऑब्जेक्ट ठीक है सो अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएँ तो कैसे बनेगा डिड वी गो टू टेम्पल और नेगेटिव In, इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा डिड वी नॉट गो टू टेम्पल क्लियर और सेम हेयर डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वी वन एंड देन ऑब्जेक्ट अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था अब करता ता था करती थी इस तरह से है ना करता था तो इसमें क्या यूज किया गया है माई ब्रदर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है वर्क एट इंश्योरेंस कंपनी ठीक है और मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम नहीं करता था माई ब्रदर देन नेगेटिव सेंटेंस का डिड नॉट यूज़ किया डिड नॉट वर्क अब यहाँ पे क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है माय ब्रदर डिड नॉट वर्क इसके बाद क्या आता है डिड नॉट जब हम यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हम जैसे यहाँ पे वर्कड था तो अब यहाँ पे वर्कड नहीं यूज़ होगा यहाँ पे क्या यूज़ होगा वर्ड वर्कड की जगह वर्क क्योंकि डिड नॉट हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्क का यूज़ यहाँ पर कर दिया है ठीक है वर्क की सेकेंड फॉर्म क्या होती है वर्कड ठीक है तो हमने यहाँ पे जब डिड नॉट का यूज़ कर दिया तो हम यहाँ पे किस चीज़ यूज का यूज़ करेंगे वी वन का यूज़ करेंगे एज़ आई हैव रिटन हेयर ठीक है माई ब्रदर डिड नॉट वर्क एट इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद क्या मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था फिर वही चीज़ आपने आगे करनी है डिड को आगे लेके आना है देन सब्जेक्ट देन वी वन डिड माई ब्रदर वर्क एट इंश्योरेंस कंपनी क्या मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम नहीं करता है अगेन डिड माई ब्रदर फिर उसके बाद जैसे कि डिड माई ब्रदर नॉट डिड माई ब्रदर इसके बाद सब्जेक्ट नॉट डिड नॉट नहीं लिखना है डिड माई ब्रदर सब्जेक्ट आएगा बीच में ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस इज गिवन श्री नरेंद्र मोदी ने स्टेज पर भाषण दिया मिस्टर नरेंद्र मोदी कौन सी है डिलीवर की सेकेंड फॉर्म डिलीवर्ड मिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेज पर भाषण नहीं दिया मिस्टर नरेंद्र मोदी डिड नॉट फिर डिलीवर्ड नहीं आएगा इंस्टेड ऑफ डिलीवर्ड यू हैव टू राइट हेयर डिलीवर मिस्टर नरेंद्र मोदी डिड नॉट डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज नेक्स्ट क्या श्री नरेंद्र मोदी ने स्टेज पर भाषण दिया देन फिर वही चीज़ आपको इसको आगे लेकर आना है ठीक है डिड मिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज फिर नॉट वाला नेगेटिव क्या श्री नरेंद्र मोदी ने स्टेज पर भाषण नहीं दिया है डिड मिस्टर नरेंद्र मोदी नॉट डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज तो ये जो टेंस है इसमें जब आ, आ की आवाज़ आती था की नहीं कर कर रहा था ऐसे नहीं ता ती ते और बीच में कोई गया गई इस तरह जब, uh, की जब सेंटेंस की लास्ट वर्ड जो होता है इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है तो वो टेंस पास्ट इनडेफिनेट टेंस होता है इस टेंस की यही पहचान है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस टेंस में यूज़ करनी होती है और जब आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो आपको डिड नॉट क्योंकि डिड क्या है डू की सेकेंड फॉर्म है और नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो डू नॉट डज नॉट और डिड नॉट का यूज़ करते हैं तो डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है डिड हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम वी वन का ही यूज़ करते हैं तो ये बहुत ईजी टेंस है अब हम करेंगे इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं पर पहले आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस के चलिए इनको सॉल्व करते हैं बट इनको सॉल्व करने से पहले कुछ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी कुछ रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं उनको लेना बहुत ज़रूरी है और जब तक आप ये इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद नहीं करोगे लर्न नहीं होगी तो आपको इसकी सेंटेंस मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है तो आप सबने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लर्न जरूर करनी है कुछ रेगुलर हैं रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब उनको बोलते हैं जिससे सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स बनाना ईजी होता है जैसे क्या है स्लिप है तो स्लिप 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 इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाना ईजी है कि उसमें डी 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 की फॉर्म लगा के हम जो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बना सकते हैं जैसे प्लान plan है प्लैंड प्लान वॉन्ट वॉन्टेड वॉन्टेड फ़िट फिटेड फिटेड ट्रैवल ट्रेवल ट्रेवल्ड तो ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है इनको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है बट इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब किन्हें बोलते हैं जिससे सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जैसे बी की सेकेंड फॉर्म है वॉज और थर्ड फॉर्म है बीन बी वॉज बीन मतलब इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सिमिलर नहीं होती है तो इनको याद करना ही पड़ता है बी वॉज बीन हैव इज़ अ फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव फॉर्म और इसकी सेकेंड फॉर्म है हैड है और थर्ड फॉर्म भी है हैड हैव हैड हैड नेक्स्ट इज डू डू की सेकेंड uh, फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन ठीक Go, तो है गो वेंट गॉन तो इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वो फॉर्म्स हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा तभी आप जो हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन इसके अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और सेंटेंस भी तभी बना पाओगे जब आपको ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न होंगी ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है चलो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे फर्स्ट है दे डैश dear ग्रैंड पेरेंट्स इन और एक और चीज़ कि हम पास्ट indefinite tense टेंस का यूज़ कहाँ पर करते हैं जब सेंटेंस दिए गए होते हैं एक कंफ्यूजन आता है बच्चों को पास्ट इंडेफिनेट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्योंकि दोनों में ही क्या है एक्शन पास्ट में शुरू होते हैं ठीक है पास्ट में शुरू होते हैं कॉन्टिन्यूस में तो पता है आईएनजी फॉर्म लग रही है बट पास्ट इंडेफिनेट कहाँ पर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ पर होगा पास्ट परफेक्ट कहाँ पर यूज़ होगा तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अभी मैं आपको इतना बताती हूँ कि जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है वो जब हम किसी भी टाइम uh, पे एम्फेसिस डालते हैं जब सेंटेंस में टाइम पे एम्फेसिस डाला जाता है तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि ग्रैंड पेरेंट्स इन जुलाई तो इसमें क्या है एक आपको टाइम गिवन है ठीक है सपोज दैट यहाँ पर विजिट दिया है तो आपको जब एक्सरसाइज क्वेश्चन आता है तो आप कन्फ्यूज़ हो चकते हैं कि इसमें हम वैड प्लस वी थ्री का भी यूज़ कर सकते हैं बट जहाँ पर आपको टाइम पे एम्फेसिस डाला जाएगा तो इट मीन्स वहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज़ किया जाएगा और जब एक्शन पर एम्फेसिस डाला जाता है तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं जब मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस करवाऊँगी तो मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में दोबारा बताऊँगी ठीक है तो जब भी टाइम पे एम्फेसिस डालना है तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे दैट इज़ पास्ट इन टेंस किस पे टाइम पे एम्फेसिस डाला जाता है दे डैश दियर ग्रैंड पेरेंट्स इन जुलाई तो यहाँ पे क्या है कब की बात कर रहे हैं इन जुलाई की तो हम इसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे दैट इज़ विजिटेड ठीक है नेक्स्ट वन इज द ऑथर डैश कंप्लीट हिज नॉवल ऑथर डैश कंप्लीट हिज नॉवल कब ऑथर ने नहीं किया तो यहां पे डू की सेकेंड फॉर्म क्या है डिड नॉट ठीक है नेक्स्ट वन इज डू आई ईट ब्रेकफास्ट अब यहां पे डू की सेकेंड फॉर्म क्या है डिड आप यहां पे क्या यूज करेंगे सॉरी डिड ठीक है नेक्स्ट वन इज आई सी हिम इन अ ब्लू ड्रेस यस्टरडे सी की सेकेंड फॉर्म क्या है सो क्या फिल करोगे यहां पे सो नेक्स्ट द बॉय डैश कम हियर इन मंथ एगो एक मंथ पहले ठीक है सो so, इसकी कम की सेकेंड फॉर्म क्या है कम की सेकेंड फॉर्म है केम सी ए एम ई केम द बॉय केम हिस्स अगो ही डैश ऑन द टेबल ऑल डे स्टैंड की सेकेंड फॉर्म क्या है स्टूड स्टैंड स्टूड ही स्टूड ऑन द टेबल ऑल डे नेक्स्ट वन इज डिड यू डैश विद हर यस्टर डे यहां पे ऑप्शन है हमारे पास स्लीप बट यहाँ पे अब आप क्या फील करोगे क्योंकि जब आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए थे जब आप डिड को एज अ क्वेश्चन मार्क एज अ इंटेरोगेटिव यूज करते हो तो उसके बाद जो वर्ब है उसकी आप पॉजिटिव फॉर्म लिखते हो सेकंड फॉर्म नहीं लिखते हो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है अब डिड तो यहाँ पे यूज कर लिया तो डिड यू क्या होगा डिड यू स्लैप्ट नहीं होगा डिड यू स्लीप डिड यू स्लीप विद हर डे ठीक है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म मतलब पॉजिटिव फॉर्म आपने यूज करनी है ठीक है नेक्स्ट इज फार्मर डैश सुसाइड आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज कमिट की सेकेंड फॉर्म क्या है कमिटेड 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 सुसाइड आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज नेक्स्ट डैश ही डैश ईट एन एप्पल यहाँ पे सिर्फ आपके पास ऑप्शन ईट का दिया हुआ है आप यहाँ से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे डिड ठीक है ही अब ईट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है एट बट क्या हम यहाँ पे एट लिखेंगे नो no. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वी वन ही लिखेंगे दैट इज ईट डिड ही ईट एन एप्पल नेक्स्ट वन इज सेम वही है डैशी डैश कोल्ड ड्रिंक अब आप यहां पे क्या यूज करेंगे शी के साथ क्या यूज करेंगे यहाँ पे सेकेंड फॉर्म डिड क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो आपको पता है कि यहाँ पे डिड का यूज किया जाएगा और शी और ड्रिंक ड्रैंक नहीं यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ दैट क्योंकि हम अब जब डिड यहाँ पे यूज हो चुका है तो हम वी वन यूज करेंगे दैट इज ड्रिंक ठीक है ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक डिड शी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक तो ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं ठीक है ठीके? और ये हैं हमारी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स रेगुलर तो थोड़ी ईजी होता है याद करना बट इरेगुलर वर्ब्स जो हैं आपको लर्न करनी पड़ेंगी तभी आप जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में तभी आप सॉल्व कर पाओगे ठीक है so, सो ये था हमारा पास्ट इंड डेफिनेट टेंस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दैट इज पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस ठीक है तो बने रहिए इस चैनल पर जो ये आपका अपना चैनल है और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है और जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए और आप सभी इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड हैव अ